ये सारा इलाका जीरो लाइन का बॉर्डर के साथ बेर वाला गांव है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं जो ये भट्टा भी बॉर्डर पर जीरो लाइन के साथ है दोस्तों। 700 मीटर के फासले पर यहां से बॉर्डर है और यहां पर पाकिस्तान की हद खत्म हो जाती है। रेंजर के जवानों की चौकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान की साइड पे एक ऐसा गांव आपको दिखाने जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर की जीरो लाइन के साथ साथ वो गांव बसता है। बेर वाला इस गांव का दोस्तों नाम है और पाकिस्तान की तारीख में बेर वाला को बड़ी अहमियत हासिल है दोस्तों। इस वीडियो में आगे चलते हुए हम बेर वाला पर मौजूद जो चौकी है रेंजर की वो भी देखेंगे और पाकिस्तान की जो हद है जहाँ पर पाकिस्तान की खुश्की की जो हद है वो ख़त्म हो जाती है और भारत की आगे हद शुरू हो जाती है, यानी वो आखिरी हिस्सा जो पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर को मिलाता है पाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप दोस्तों तक आसानी से पहुँच सकें। आपकी नज़रों के सामने ये जो इस वक्त इलाका सारा नज़र आ रहा है दोस्तों, ये भारत का और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ वाला इलाका है दोस्तों। मेरे वीलॉग्स जो जितनी वीडियोस होती हैं वो सारी बॉर्डर के गांव की खूबसूरती के लिए होती हैं, तो जो भी लोग बॉर्डर के गांव के और देसी वीलॉग पसंद करते हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप दोस्तों के बताए हुए जो भी इलाके होते हैं वो एक्सप्लोर करने में मदद मिलती है दोस्तों। ये आपको जो जूम करके मैं दिखा रहा हूँ ये झुंड चौकी वाला है और बेर वाला गांव का वो इलाका है जहाँ पर रेंजर की चौकी मौजूद है। 24 घंटे यहाँ पर रेंजर के जवान हर वक्त तैयार रहते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ दोस्तों के रेंजर के जवान यहाँ पर ऐसे रहते हैं जैसे मतलब आप एक अगर ड्यूटी से हटा तो दूसरा आ जाएगा फौरन। चौकी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, रात का समय हो चाहे दिन का समय हो। ये देखें दोस्तों आपको ये जो इलाका नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन, ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ और ये जो भट्टा आप देख रहे हैं ईंटें यहाँ पर बनती हैं। ये गाँव वाले जो हैं मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं उनको बखूबी इससे आगाह होंगे और शहर वाले अगर जो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं ये ईंटें जो पक्की बनती हैं वो इस भट्टे में बनती हैं और यहाँ से 700 मीटर के फासले पर बॉर्डर है दोस्तों। ये 700 मीटर का फासला तय करने के बाद हम एक ऐसे मकाम पे पहुँचेंगे जो आज से पहले आपने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, आपको हैरानी होगी वो देख कर। ये जो आपको इस वक्त जूम करके मैं इलाका दिखा रहा हूँ दोस्तों ये ज़ीरो लाइन है और ज़ीरो लाइन की जो तार है वो भी यहाँ से नज़र आती है दोस्तों। बेर वाला गांव की खास बात यह भी है कि आज़ादी से पहले ये गांव का नाम बेर सिंह हुआ करता था क्योंकि यहां पर सिंह ज़्यादा रहा करते थे दोस्तों। जैसे ही पाकिस्तान और भारत की जो पार्टीशन हुई यानी दो देश मुल्क के अलहदा मुल्कों के जो सूरत में नक्शे पर दुनिया के नक्शे पर सामने आए उसमें दोस्तों पाकिस्तान की तरफ ये बेर वाला गाँव आ गया, इसलिए बेर वाला गाँव के लोगों के जो अक्सरियत थी वो मुसलमान थी और यहाँ पर जो बसने वाले थे वो सिर्फ मुसलमान थे और अब उनको पाकिस्तानी कहा जाता था। वहाँ के नंबरदार की रिक्वेस्ट पर बेर सिंह को हटाकर बेर वाला गांव कह दिया गया ताकि ये यहाँ पर अब सिंह कोई नहीं रहता और ये जो पुराने सिंह हजरात थे उनकी जो अभी भी यहाँ पर बकाया जात या ऐसे कह सकते हैं उनके जो घरेलू जो भी उनके पुराने घर हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं चौकी पर, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि विज़िट किया करें, प्लेलिस्ट में बहुत खूबसूरत वीलॉग हैं, पुराने रेलवे स्टेशन की भी वीडियोस अपलोड हैं। ये देखें इस वक्त बेर वाला गाँव में हम एंटर हो चुके हैं। ये बेर वाला गाँव है, ये इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे कच्चा मकान है, पुराना गाँव है इसलिए कच्चे मकान है। यहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, बॉर्डर पर होने की वजह से तरक्की भी बहुत ही कम होती है। जितने भी बॉर्डर पर गांव हैं उसमें तरक्की ना होने के बराबर है, ये पहले भी वीडियोस में मैं आपको दिखा चुका हूं। तो दोस्तों चलिए चौकी पर पहुंच के मुलाकात होती है, फिर आपको मैं दिखाऊंगा वो हद जहाँ पर पाकिस्तान की सरहद ख़त्म हो जाती है और भारत की हद वहाँ से शुरू होती है। आपने मेरे साथ रहना है
और अपना प्यार देते रहें। इसी तरह मोटिवेशन मुझे मिलता रहता ताकि मैं खूबसूरत वीलॉग और वीडियोस आप दोस्तों के लिए लेकर आता रहूं। ये देखें दोस्तों, जो आपको टावर नज़र आ रहा है ये भारत की साइड पे टावर है, सिग्नल जो कैच करता है। तो अभी हम कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचने वाले चौकी में, तो वहाँ पर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि दोस्तों चौकी पर मोबाइल यूज़ करना मना है। जितना मैं आपको दिखा सका वो लाजमी दिखाऊँगा। तो चलिए चौकी पर जाके मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, ये देख रहे हैं खबरदार इख्तिताम हदूद पाकिस्तान, और ये चौकी रेंजर का जवान भी बैठा हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान की हद खत्म हो जाती है बेरवाला गांव से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।